गणतंत्र दिवस को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल होगा। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए किया गया फेरबदल। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई बड़े मंत्रियों के लिए गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम स्थान बदला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पानीपत में नहीं बल्कि पंचकुला में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी अंबाला की जगह फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद की गणतंत्र दिवस परेड में पहले खेल मंत्री संदीप सिंह को शामिल होना था। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सहित बाकी मंत्रियों की लिस्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुमार रमेश, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि हरियाणा सरकार के जो गणतंत्र दिवस को लेकर ये बड़ा फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही पता लग पा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे, पहले उनको पानीपत में ध्वजारोहण करना था। इसके अलावा डिप्टी सीएम फरीदाबाद जाएंगे, पहले डिप्टी सीएम का कार्यक्रम अम्बाला में था। और जो खेल मंत्री संदीप सिंह को फरीदाबाद जाना था वो फरीदाबाद नहीं जाएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो कई मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि रोहतक में ये माना जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। और जहां पर किसानों का खतरा ज्यादा है वहां पर कार्यक्रमों में ये भी तब्दीली की गई है कि उनको सार्वजनिक जगह कार्यक्रम करने के बजाय उनको अलग अलग इलाकों में या हम कहें पुलिस की जो घेराबंदी है वहां पर कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और कई जो कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन में रखे गए हैं ताकि वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था रहे और कोई भी किसान इस कार्यक्रम में बाधा न डाल पाए। इस प्रकार की तमाम चीजें जो है व्यवस्थित की गई है। अभी ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में इसका आधिकारिक पत्र आ जाएगा और ये पुष्टि हो जाएगी कि कौन कहां पर जा रहा है। बिल्कुल रमेश, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन क्या कुछ मुख्य वजह मानी जा सकती है जो फेरबदल किया गया है? जिस तरीके से कैमल में घटना हुई थी और करनाल में जो घटना हुई थी उसके मद्देनजर इस तरीके का निर्णय, एक बड़ा निर्णय लिया गया। देखिए, जो सीआईडी इनपुट्स हैं, जो पुलिस के सूत्रों जो इनपुट दे रहे हैं उनके अनुसार यह है कि कई मंत्रियों का टारगेटेड विरोध हो सकता है। उनका किसान का ये कार्यक्रम को विरोध करना बहुत मोटिव नहीं है, उनका विरोध जो है कहीं ना कहीं मंत्री उनके टारगेट पे है। और यही माना जा रहा है कि उनके मंत्री के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर का एक कार्यक्रम करनाल में था और वो कार्यक्रम किसानों ने होने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चूक रही, तो इसलिए वो कार्यक्रम वहां पर पानीपत की बजाय जो उनको इधर शिफ्ट किया गया पंचकुला, ताकि वहां पर नजदीक से सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छा मैनेज किया जा सकता है। और इससे पहले भी जब पंचकुला में चुनाव थे तो वहां पर भी मुख्यमंत्री मनोहर के कार्यक्रम में तमाम किसानों ने दखल डालने की, खलल डालने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ओवरऑल उनको लगता है कि पंचकुला जो है सेफ जगह है, क्योंकि सरकार अभी कहीं ना कहीं किसानों से टकराना नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि ये शांतिपूर्वक निपट जाए, इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम में जो बदलाव की योजना तैयार की है। अब इसकी जब अधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मंत्री कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए।